बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है रेप्लिकेशन प्रोसेस, चैप्टर नंबर 20, द रेप्लिकेशन प्रोसेस। अच्छा जी, रेप्लिकेशन हम किसकी पढ़ रहे हैं? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पढ़ रहे हैं। तो रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है डीएनए के ऊपर, एक साइड पे भी स्टार्ट हो सकता है और एक से ज़्यादा साइड्स के ऊपर भी क्या हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन उनका सीक्वेंस जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। समझ आ गई है बेटे? क्या होता है? स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है रेप्लिकेशन का। क्या क्या सीक्वेंस होता है वो आगे मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर। सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज 3 है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 3 और दूसरे एंजाइम ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये कैटालाइज करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन को, किसके अंदर, ग्रोइंग स्टैंड के अंदर, या हम इसे कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड ऑफ डीएनए। जो ओल्ड स्टैंड होता है उसको हम टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं, और जो ओल्ड स्ट्रैंड नहीं होता, जो आगे बन रहा होता है, उसको हम ग्रोइंग स्टैंड कहते हैं, या उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 और दूसरे एंजाइम मिलके एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को जनरेट करवाते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को चलाते हैं, जो क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है बेटे। मैंने आपको बताया कि एक साइड पे भी शुरू हो सकता है, ज़्यादा पे भी। जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये देखो, ये रेप्लिकेशन बबल बन गया, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रैंड है ब्लैक में, वो क्या हो गया, अनजिप हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन ओरिजिनेट हो जाएगी बोथ डायरेक्शंस में, ठीक है। और यह एक साइड पे भी हो सकती है और दो साइड पे भी हो सकती है, और उसके बाद क्या हो जाएंगे, ये रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मैनर के अंदर हो जाएगी, जैसे मैंने इससे पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया, ठीक है बेटे। अब डीएनए पॉलीमरेज कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3। 3 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज हमारे पास प्रेजेंट हैं। समझ आ गई है? अच्छा जी, डीएनए पॉलीमरेज 1 की अगर हम बात करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1 शॉर्ट एंजाइम है, ठीक है। और इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये सपोर्टिंग रोल प्ले करता है डीएनए की रेप्लिकेशन के अंदर। अगर हम बात करते हैं ईकोलाई के अंदर, जो रेप्लिकेटिंग एंजाइम है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, और डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइम लार्जर है किससे, पॉलीमरेज 1 से। ये बेटे उसका स्ट्रक्चर है, किसका, मॉलिक्यूलर स्ट्रैंड पॉलीमरेज 3 कॉम्प्लेक्स, डीएनए पॉलीमरेज 3 कॉम्प्लेक्स का ये मॉलिक्यूल है जो 10 टाइम लार्जर है किससे, डीएनए पॉलीमरेज 1 से। उसका जो बेटे डायामीटर है डीएनए पॉलीमरेज 3, जो डायमर अपना बनाता है, वो डीएनए स्ट्रैंड के साथ जाके अपना डायमर बना लेगा, ठीक है बेटे। डीएनए पॉलीमरेज 3 ये प्रोग्रेसिवली डीएनए के साथ जाके अटैच होगा, और एक सेकंड के अंदर 1000 न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाएगा। डीएनए पॉलीमरेज 3 10,000 न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करवाएगा किसके साथ, न्यू ग्रोइंग स्टैंड के अंदर। कितनी देर में? एक सेकंड के अंदर, ठीक है बेटे। उसके बाद एक और फीचर डीएनए पॉलीमरेज 3 का ये है कि ये जो ऑलरेडी जो ग्रो कर रही होती है ना, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गई है, ये सिर्फ और सिर्फ उसके साथ न्यूक्लियोटाइड्स की पेयरिंग करवाएगा। इसका मतलब बेटे क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए पॉलीमरेज 3 को डीएनए के साथ अटैच होने के लिए किसी और चीज़ की भी ज़रूरत है, ये खुद ब खुद जाके रेप्लिकेशन को इनिशिएट नहीं करवा सकता, इसको किसी और चीज़ की भी ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है बेटे? दूसरे एंजाइम प्राइमेज की ज़रूरत होगी,
जो प्राइमेज क्या करता है, प्राइमेज ने क्या करना है बेटे, उसने आरएनए प्राइमर बनवाना है। वो प्राइमर अपने आप को ठीक क्या करेगा, ये देखो ये प्राइमेज है, ये प्राइमर उसको क्या करेगा, डीएनए के साथ अटैच होगा और डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ अटैच होगा और उसकी वजह से वो क्या होगा, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो उसके साथ क्या करता जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करता जाएगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 आके अटैच होगा, वो खुद बहुत उसके साथ अटैच नहीं हो सकता। ठीक है, देखो ये प्राइमेज है, प्राइमेज के साथ ये सेकंड सब यूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3, इसके साथ आके डीएनए पॉलीमरेज 3 इधर आके अटैच होगा। ये डीएनए पॉलीमरेज 1 है, ठीक है, ये एसएसडी प्रोटीन्स हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं। ठीक है, ये देखो ये क्या था, एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था, इसने ओपन किया, जो हेलिकेज एंजाइम था इसने क्या किया, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को ओपन करवाया और उसके साथ आके प्राइमेज अटैच हुआ। प्राइमेज अटैच होगा जो इसको जो डीएनए पॉलीमरेज 3 को अलाउ करेगा कि आके इसके साथ बाइंड करे, वो आके बाइंड करेगा तो फिर वो न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करता जाएगा, अटैच करवाता जाएगा। दो फ्रैगमेंट होते हैं बेटे, कौन कौन से, एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है और एक क्या होगा, लैगिंग स्ट्रैंड होगा। ये भी मैं आप लोगों को समझाती हूँ, ठीक है। अभी इसकी समझ आ गई है डीएनए पॉलीमरेज 3 की। अब दूसरी चीज़ ये कि पॉलीमरेज 3 ऐड करेगा न्यूक्लियोटाइड को बेटे सिर्फ 5-3 डायरेक्शन में। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 प्राइम एंड पे क्या होती है, हाइड्रोक्सल होती है, और ये उसी साइड पे क्या होती है, रेप्लिकेशन फॉर्क उसी साइड पे बनेगा और उसी साइड पे क्या होगी, न्यूक्लियोटाइड आके अटैच होंगे। 5 प्राइम एंड पे तो नहीं ना आके अटैच हो सकते, ठीक है, 5 प्राइम एंड पे तो ऑलरेडी फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फेट ग्रुप है, तो वो क्या होगा, वो आके तो नहीं ना वहाँ पे तो कैटालाइज ही नहीं होगा। तो 3 प्राइम एंड पे हाइड्रोक्सल है तो वो 3 प्राइम एंड की डायरेक्शन में क्या करेगा, वो प्रोसीड करेगा। तो रेप्लिकेशन प्रोसीड करती है 5-3 डायरेक्शन, और जो डायरेक्ट इस तरह से 5-3 डायरेक्शन में मूव करे होते हैं उसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड बेटे क्या, कि वो वाला स्ट्रैंड जिसकी इलोंगेशन हो रही है टूवर्ड द रेप्लिकेशन फॉर्क, ये रेप्लिकेशन फॉर्क बनी हुई है ना एक, तो अगर रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ जा रहा है कंटिन्यूस स्ट्रैंड है उसको हम को बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, और जो डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड है उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ये देखो जैसे यहाँ पे ये लीडिंग स्ट्रैंड है और ये क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड है। समझ आ रही है बेटे, इस तरह से ये क्या करेगा, वो मूव करेगा। नेक्स्ट बेटे, आप लोगों को ये लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड का पता चल गया। अच्छा जी, वो कॉन्टीन्यूस है, ये क्या है, डिसकॉन्टीन्यूस है। अब एक और चीज़, अगर ये लीडिंग स्ट्रैंड इधर 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड जो है वो किसकी तरफ है, रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ है, उससे भी हमें पता चल जाएगा। अगर 3 प्राइम एंड न्यू जो बन रही थी, न्यू जो ग्रोइंग स्ट्रैंड था उसकी डायरेक्शन इस साइड पे 3 प्राइम एंड है, इस तरफ को वो मूव कर रहा है तो वो लीडिंग स्ट्रैंड है, और इसी हिसाब से ये कौन सा होगा, फिर लैगिंग स्ट्रैंड होगा, क्योंकि इसका 3 प्राइम एंड इधर है ना, इधर को प्रोसीड कर रहा है, न्यूली ग्रोइंग स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड इस साइड पे है, इधर 5 प्राइम एंड है, वो जो रेप्लिकेशन होगी वो होगी इसी डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। लैगिंग स्ट्रैंड की रेप्लिकेशन हमेशा रेप्लिकेशन फॉर्क के अवे वाली डायरेक्शन में होगी और लीडिंग की टूवर्ड्स होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड अटैच होके छोटे छोटे पैचेस बन जाएंगे उसको हम क्या बोल देते हैं, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। छोटे छोटे स्ट्रैंड्स बनेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। और इन ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को आपस में ज्वाइन कौन करवाएगा, डीएनए लाइगेज। समझ आ गई है, तो लाइगेज क्या करेगा, इनको आपस में अटैच करवाएगा। उसके बाद जब एक वो लीडिंग स्ट्रैंड से एक वो पूरा हो गया, ठीक है, इधर रेप्लिकेशन होनी थी वो हो गई, अब क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 जंप करेगा 1000-2000 न्यूक्लियोटाइड्स
को जंप करेगा आगे और वो न्यू ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट को बना देगा। यहाँ पे इसने अभी अगर ये 5 प्राइम एंड के तक पहुँच गया है बेटे, यहाँ पे अगर ये 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड तक पहुँच गया तो फिर ये जंप करेगा 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स अवे और वहाँ पे जाके क्या करवाएगा, न्यू वो स्टार्ट करवा देगा। समझ आ गई है? और ये किस में होता है, ये सिर्फ और सिर्फ फर्दर अनबाउंड करके जंप करके चला जाएगा। समझ आ गई है? और न्यू प्राइमर के साथ जाके अटैच हो जाएगा और वहाँ पे एक और ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बना देगा और डीएनए लाइगेज क्या करेगा, पीछे पीछे इसको जोड़ता हुआ चला जाएगा। तो ये क्या थी बेटे हमारे पास, ये थी हमारी इसकी रेप्लिकेशन। उसके बाद बेटे हम लोग क्या पढ़ने लगे हैं, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। बेटे मैं आप लोगों को समझाऊंगी एक एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट किसका, बीडल एंड टैटम का एक्सपेरिमेंट था। बीडल और टैटम के एक्सपेरिमेंट से उन्होंने, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्जिनिन बायोसिंथेटिक पाथवे की। उन्होंने कहा आर्जिनिन बायोसिंथेटिक पाथवे के अंदर आर्जिनिन बनने के लिए उसके पाथवे के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो बीडल और टैटम ने आइसोलेट किए, और किसको आइसोलेट किया, म्यूटेंट स्ट्रेन्स को आइसोलेट किया। और उन्होंने क्या देखा कि उसमें सारे के सारे एंजाइम्स क्या हैं, वो डिफेक्टिव एंजाइम्स भी उसके अंदर हैं। समझ आ गई है बेटे? अब क्या हुआ कि उन्होंने उसको लोकेट किया कि जीन हमेशा अपना अफेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जीन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय स्पेसिफाइंग स्ट्रक्चर। अगर उनका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा तो फिर वो क्या करेंगे, अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। उन्होंने ज़्यादा क्या फाइंड आउट किया कि जो डिफरेंट साइट्स हैं, एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं डिफरेंट साइट्स के ऊपर। आर्जिनिन ई है तो एंजाइम ई प्रोड्यूस हो रहा है, आर्जिनिन एफ है तो एंजाइम एफ प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे आर्जिनिन ही। देखो डिफरेंट साइट्स हैं और वो डिफरेंट एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर रही हैं। समझ आ गई है? जब अगर यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर अगर ये साइट है, यहाँ पे आर्जिनिन है तो और एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंट साइट है तो और एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है तो और यहाँ पे है तो और एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है, और वो डिफरेंट बायोसिंथेसिस के अंदर यूज़ हो रहा है, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के अंदर वो यूज़ होगा। समझ आ गई है बेटे? अच्छा जी, उन्होंने क्या किया कि जो म्यूटेंट एंजाइम्स को एग्जामिन किया, उन्होंने कहा कि म्यूटेशन सिंगल साइट पे हो रही है, किसके ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर। अब उनका कंक्लूजन क्या था, जीन प्रोड्यूस करता है अपना इफेक्ट बाय स्पेसिफाइंग द स्ट्रक्चर, किसका, एंजाइम का स्ट्रक्चर, और ये जीन, ईच जीन इनकोड्स द स्ट्रक्चर ऑफ वन एंजाइम। एक जीन एक एंजाइम के स्ट्रक्चर को कोड कर रहा है, एक जीन से एक पॉलीपेप्टाइड बनेगा, उससे डिफरेंट टाइप के पॉलीपेप्टाइड्स नहीं बन सकते। इसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड का, ठीक है। एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या, कैटालाइज करने के, सिंथेसिस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और एंजाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो असेंबल करते हैं न्यूक्लिक एसिड को, प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, लिपिड्स को। बेटे देखो ये सारे काम एक ही एंजाइम नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे अगर हमने देखा कि पॉलीमरेज अपना काम कर रहा है, ठीक है, और लाइगेज अपना काम कर रहा है, प्राइमेज अपना काम कर रहा है, ठीक है, आरएनए प्राइमेज, ठीक है, और हर एंजाइम अपना काम कर रहा है। इस तरह से यहाँ पे भी वो सर एंजाइम का काम क्या है, स्पेसिफिक है, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। और उसके बाद डीएनए स्पेसिफाई कर देता है कि कौन सा एंजाइम कहाँ पे जाके यूज़ होगा, कौन से एंजाइम, कौन से कोड से कौन सा एंजाइम बनेगा। तो एक कोड से एक ही एंजाइम बनेगा, एक ही पॉलीपेप्टाइड बनेगा। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, दे आर पॉलीपेप्टाइड्स। समझ आ रही है बेटे? तो एक एंजाइम से एक ही पॉलीपेप्टाइड बनेगा, एक जीन से सॉरी एक ही पॉलीपेप्टाइड बनेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। समझ आ गई है? अच्छा जी, उसके बाद जो आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट हमने पढ़ना है, सेल यूज़ आरएनए टू मेक प्रोटीन्स। सेल्स किसको यूज़ करते हैं, आरएनए को यूज़ करते हैं, क्या बनाने के लिए, प्रोटीन्स बनाने के लिए।
बेटे किस तरह से हुआ कि बेसिक मैकेनिज्म जो होता है जीन एक्सप्रेशन का, वो सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, सेम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा क्या है कि डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि डीएनए ने अपना मैसेज कोड किया किसके ऊपर, आरएनए के ऊपर, और उसको मैसेंजर आरएनए बना दिया। वो जो मैसेज कोड हुआ उसको क्या बोल रहे हैं हम, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। और वो उस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, ट्रांसक्रिप्शन। और फिर वो मैसेंजर आरएनए, वो मैसेज जो होगा वो ट्रांसलेट किया जाएगा, मैसेज आएगा इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, ठीक है। वो जीन को जब ट्रांसलेट किया जाएगा तो वो क्या बना लेंगे, वो प्रोटीन बना लेंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। दिस इज़ द सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनना, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर द मेन बेसिस फॉर लाइफ, मेन सेंट्रल डॉगमा फॉर लाइफ, ठीक है बेटे। अब ये कैसे होता है ये मैं आप लोगों को बताऊँगी बेटे। अच्छा जी, उसके बाद फर्स्ट स्टेप जो होता है वो सेंट्रल डॉगमा का क्या है कि ट्रांसफ़र हो रही है इन्फॉर्मेशन डीएनए से आरएनए के ऊपर। कब, जब मैसेंजर आरएनए कॉपी होगा, मैसेंजर आरएनए डीएनए के जीन्स को क्या कर लेगा, कॉपी कर लेगा, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन। बेटे ये कब होगी, ऐसे ही जिस तरह हमने रेप्लिकेशन पढ़ी थी इसी तरह से वो अनवाइंड होगा, एक रेप्लिकेशन बबल बन जाएगा, उसके अंदर एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा डीएनए का और दूसरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक ही स्ट्रैंड तब कॉपी होगा, ठीक है। मैसेंजर आरएनए बनेगा, वो मैसेंजर आरएनए कब बनेगा, जब यहाँ पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा, वो सीक्वेंस आरएनए प्राइमर्स को यानी प्राइमेज को अलाउ करेगा कि वो आपके इसके साथ अटैच हो जाए। उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रोमोटिंग सीक्वेंस, प्रोमोटर साइट भी बोलते हैं, प्रोमोटिंग सीक्वेंस भी बोलते हैं। वो प्रोमोटर साइट के ऊपर आके आरएनए प्राइमेज आके ऊपर अटैच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाइंडिंग साइट के ऊपर, किसी भी साइट के ऊपर वो आके अटैच हो जाएगा और जीन्स को अपस्ट्रीम क्या करना शुरू कर देगा, कॉपी करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब ये एंजाइम मूव करेगा डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर और मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज हो जाएगा। फिर एक स्टॉप सिग्नल आएगा, वो एंजाइम को कहेगा स्टॉप कर देगा, और एक एंजाइम उस मैसेंजर आरएनए को डीएनए से क्या कर देगा, डिसएंगेज कर देगा और आरएनए की चेन को असेंबल कर देगा। वो क्या होगा बेटे, हमारे पास मैसेंजर आरएनए जो कि जीन्स की कॉपी हो गई है, वो न्यूक्लियस में से न्यूक्लियर पोर के ज़रिए से वो कहाँ पे ट्रांसमिट कर दिया जाएगा, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो गई, ट्रांसक्रिप्शन हो गई, फिर डीएनए पॉलीमरेज, सॉरी, फिर उसके बाद क्या होगा, ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियर पोर के ज़रिए से साइटोप्लाज्म के अंदर भेज दिया जाएगा। अब सेकंड स्टेप स्टार्ट हो जाएगा सेंट्रल डोगमा का। सेकंड स्टेप में क्या है कि आरएनए से प्रोटीन बनना है। अब मैसेंजर आरएनए क्या बनाएगा, राइबोसोम उसके साथ आके अटैच हो जाएंगे, ठीक है, और फिर क्या होगा, ट्रांसलेशन का प्रोसेस बिगन हो जाएगा। फिर उधर से पॉलीपेप्टाइड बनेगा, मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन करवाई जाएगी और पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों जो एक्सप्रेशन है सेंट्रल डॉगमा के, इसको हम क्या बोलते हैं, जीन एक्सप्रेशन। आपको पेपर में आ जाए व्हाट इज़ जीन एक्सप्रेशन, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये दोनों प्रोसेसेस को हम मिला के क्या बोल देते हैं, जीन एक्सप्रेशन बोल देते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ना है बेटे, टाइप्स ऑफ आरएनए। तो हमारे पास कितने टाइप्स के आरएनए हैं हमें पता है, हमारे पास कितने हैं, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए हैं। कौन कौन से हैं बेटे, राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए, जो भी अभी हमने पढ़ा, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, और उसके बाद कौन सा है जी, ट्रांसफ़र आरएनए। 3 आरएनए पूरे हो गए। सबसे पहले हम मैसेंजर आरएनए की ही बात कर लेते हैं। अब आप लोग मुझे बताएं, देखिए मैसेंजर आरएनए क्या होता है, अभी अभी हमने पढ़ा है, मैसेंजर आरएनए डीएनए से जीन्स को कॉपी करके लेके आता है, क्या बनाने के लिए, प्रोटीन्स बनाने के लिए। तो मैसेज लेके आया किसे, डीएनए का मैसेज लेके आया साइटोप्लाज्म के अंदर, ताकि वहाँ पे आके हम इससे क्या बना सकें, प्रोटीन बना सकें। तो ये सिंपल हमारे पास क्या आ गया जी, मैसेंजर आरएनए आ गया, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, राइबोसोमल आरएनए की। हमने जब राइबोसोम्स पढ़े थे तब हमने पढ़ा था कि इसके अंदर इक्वल अमाउंट होती है किसकी, आरएनए और प्रोटीन की। और इसके अंदर जो आरएनए होता है उसको क्या बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए होता है। और ये बनता है कहाँ पे, न्यूक्लियोलस के अंदर जाके बनता है। यही था ना, न्यूक्लियोलस क्या है, फैक्ट्री है राइबोसोम्स की, और उसी के अंदर राइबोसोमल आरएनए भी बनता है। अब राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स के अंदर प्रेजेंट है और वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है अटैचमेंट ऑफ मैसेंजर आरएनए टू राइबोसोम और अटैचमेंट ऑफ ट्रांसफर आरएनए ऑन द राइबोसोम। मतलब ये बेसिक अटैचमेंट करवाता है और प्रोटीन सिंथेसिस में काम करवाता है। राइबोसोम्स के ऊपर डिफरेंट साइट्स होती हैं ना बेटे, ए पी और टी साइट्स। जैसे उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने अमीनो एसिड के बनाने हैं, अमीनो एसिड अटैच करने हैं किसके ऊपर, मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन में उसको अमीनो एसिड की असेंबली करवानी है, चेन बनवानी है, पॉलीपेप्टाइड बनवाना है, ठीक है। और ये काम सारा किसका है, आरएनए का। आरएनए किस में है, राइबोसोम्स के अंदर है, और वो क्या करवाता है, बेसिक अटैचमेंट करवाता है। समझ आ गई है? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटे, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए हर अमीनो एसिड का ट्रांसफर आरएनए सेपरेट है। 45 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन सेल के अंदर, ठीक है। इसका काम क्या है, ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है कि यहाँ पे क्या अटैच होगा, अमीनो एसिड अटैच होगा। 3 क्लोवर लीफ की तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है और ये यहाँ पे राइबोसोम को रिकग्निशन साइट है, ये राइबोसोम की रिकग्नाइज करके उसके साथ अटैच होगा। यहाँ पे अमीनो एसिड इसके साथ अटैच होगा, फॉर एग्जांपल आर्जिनिन इसके साथ अटैच है। और ये है एंटीकोडोन। एंटीकोडोन ये मैसेंजर आरएनए ऑलरेडी राइबोसोम के साथ अटैच है, ऊपर अटैच है ना, तो ये आके मैसेंजर आरएनए के कोड के ऊपर अटैच होगा। यहाँ पे एंटीकोडोन है ना बेटे, ये इसको रिकग्नाइज करेगा कि हाँ जी ये मेरा कोड ही है, वहाँ पे जाके अटैच होगा और अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मेन काम है क्या है, अमीनो एसिड को पकड़ पकड़ के लेके आना और उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन बनवाना। साइटोप्लाज्म के अंदर जब राइबोसोम के ऊपर मैसेंजर आरएनए अटैच हो जाएगा तो ये बेसिकली क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा किसको, अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करेगा किसके ऊपर, करेक्ट प्लेस के ऊपर। इसका काम क्या है कि अमीनो एसिड को करेक्ट प्लेस के ऊपर प्लेस करवाना। समझ आ गई है? और इस तरह से क्या बन जाएगा, पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा, ठीक है बेटे। ये हमारा आज का लेक्चर था, बाकी हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।